दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुशवाहा और आप देख रहे हैं द लॉलीपॉप्स, जहां मिलती है हर खबर विद लॉलीपॉप फ्लेवर। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम बॉलीवुड के ग्लैमर की दुनिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के पीछे कितनी अंधेरी दुनिया छुपी है, इसका सबसे ताजा उदाहरण है बॉलीवुड क्वीन शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा। लोग समझते हैं कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। विदेश में उनके बड़े बड़े काम धंधे चल रहे हैं, लेकिन उनका सबसे गंदा और गहरा राज खुला तो लोग हैरान और दंग रह गए। जानी मानी अधिकारा के पति राज पर्दे के पीछे एक ऐसे काले धंधे में संलिप्त थे जिसका हमारा समाज में नाम लेने में भी, मतलब जो लोग हैं वो शर्म करते हैं, लज्जा महसूस करते हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर बड़े ही शातिर तरीके से ये गंदा धंधा चलाने का आरोप लगा है। आपको बता दूं कि 19 जुलाई की रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज को गिरफ्तार किया और खुलासा हुआ कि वह पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने और कुछ ऐसे ऐप पर पब्लिश करने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि उनके पास बकायदा उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी हैं। जैसे ही पुलिस ने राज को गिरफ्तार किया, मानो ये खबर सनसनी की तरह फैल गई। इसके बाद जब राज से मीडिया ने सवाल किया तो उनकी जुबान फिसल गई और ओठों पर ऐसा लग रहा था जैसे ताला लग गया हो। बोलते भी क्या जनाब, उनकी खामोशी ने शर्मो हया के सारे पर्दे हटा दिए। राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भी भेजा गया है। वैसे तो राज कुंद्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। आईपीएल में सट्टेबाजी से लेकर धोखाधड़ी तक कई मामलों में उनका नाम आ चुका है। अब आइए एक दफा राज कुंद्रा के बिजनेस पर नजर डालते हैं। राज करीब 10 छोटी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, तो वहीं राज 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के भी वारिस है। साथ ही आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के मैनेजिंग पार्टनर होने के साथ साथ रियल स्टेट, माइनिंग और एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटलिटी जैसे बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी है। अब सवाल ये है कि आखिर राज कुंद्रा जैसा सेलिब्रिटी अश्लील फिल्मों के कारोबार से क्यों जुड़ गया? तो इसका जवाब जानने के लिए अश्लील फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा सिर्फ एक तथ्य जानने की आपको जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में अश्लील फिल्म इंडस्ट्री का कुल कारोबार जो है वो $100 बिलियन यानी कि लगभग 740 हजार करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में 250 लाख अश्लील वेबसाइट्स हैं। यह आंकड़ा दुनिया की कुल वेबसाइटों का करीब 12% है। मुंबई पुलिस की माने तो राज कुंद्रा को इसी दौलत का लालच भी इसी धंधे में खींच लाया। मुंबई पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि राज की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज इस बात के लिए भी पैसा खर्च करती थी ताकि ये पता ना चल सके कि ये धंधा आखिर कहां से चल रहा है। राज कुंद्रा ने इसके लिए बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए थे। बात करते हैं कि आखिर ये बिजनेस का राज खुला कैसे। पुलिस की माने तो राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ऐसी पॉर्न फिल्मों के जरिए ना सिर्फ मोटी कमाई कर रहे थे बल्कि उन्होंने देश के कानून को गच्चा देने के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा था। मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में इसी साल 4 फरवरी को एक केस दर्ज किया था, जब एक लड़की ने मुंबई के ही मालवाड़ी थाने पहुंचकर इस रैकेट के बारे में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में लड़की ने बताया था कि कैसे कुछ लोगों को फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कैसे अश्लील फिल्में शूट कर मुंबई में कई धंधेबाज मोटी कमाई भी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मलाड वेस्ट इलाके में एक ऐसे बंगले पर छापेमारी की जिसे किराए पर लेकर धंधेबाज पॉर्न फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। तब इस छापेमारी में एक बॉलीवुड की एक अभिनेत्री के साथ 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस को तभी राज कुंद्रा और उसकी अश्लील कंपनी के बारे में सुराग मिल गए थे, लेकिन पुलिस उन पर हाथ डालने से पहले पुख्ता सबूत जुटाना चाहती थी। और अब पुलिस की माने तो उसके पास राज कुंद्रा और उनके गंदे धंधे से जुड़ी कई जानकारियां और सबूत मौजूद हैं। पुलिस के पास पीड़ित लड़कियों के बयान, व्हाट्सएप चैट,
ऐप पर मौजूद फिल्मों और राजकुंद्रा के अश्लील फिल्मों के कारोबार का पूरा लेखा जोखा है। तो ये थी बॉलीवुड के ग्लैमर के पीछे की सच्चाई और राजकुंद्रा का लेखा जोखा। ऐसे ही बने रहिए द लॉलीपॉप्स के साथ, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।